तस्वीरां दे विच नजर आ रही फॉर्चूनर कार इस दे वल्लों दो लोकां नूं जोरदार टक्कर मारी गई। एक दी मौके ते मौत हुई जबकि दूजा हस्पताल दे विच जेरे इलाज है। जानकारी दे मुताबिक इस फॉर्चूनर नूं एक महिला चला रही सी जिस दी तेज रफ्तार होण करके दो लोकां नूं जोरदार टक्कर मारी। दस दिए कि पुलिस ने सब्बल दे नाल कंध तोड़ के एक शख्स नूं बाहर कढ़िया। गोल चौंक दी कंध तोड़ के ए फॉर्चूनर कार अगे वधी और गोल चक्कर दे विच ही फस गई। दस दिए कि पुलिस ने सब्बल दे नाल कंध तोड़ी फिर एक शख्स नूं बाहर कढ़िया जिस दी मौत हो चुकी सी। दूजा दूजी साइड जाके डिग्गिया जिसनूं हॉस्पिटल दे विच भर्ती करवाया गया। फरीदाबाद दे सैक्टर 14 दे विच इह भयानक हादसा होया। इस हादसे दे नाल लेबर चौंक दा गोल चक्कर भी टह गया। हाले तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई। अख झपकते ही यह भयानक हादसा होया। फॉर्चूनर का अगला हिस्सा बुरी तरह नुकसानिया गया। इसनूं एक महिला चला रही सी और तेज़ रफ्तार होने करके दो लोगों नूं टक्कर मारी और यह फॉर्चूनर कार गोल चौंक के नाल जा टकराई, खुद भी उत्थे फस गई। दस दिए कि जिसनूं टक्कर मारी वह शख्स भी कंध दे विच फस गया। पुलिस ने सबलां दे नाल कंध नूं तोड़ के उस शख्स नूं बाहर कढ़िया पर उदों तक उसकी मौत हो चुकी सी। सर मामला क्या, भी एक्सीडेंट हुआ है? सर एक्सीडेंट हुआ है, एक आदमी है ना एक्सपायर हो गया और एक आदमी इंजर्ड बता रहे हैं। हाँ एक्सीडेंट कब हुआ सर, कौन चला रहा था इसको? आधा घंटे पहले एक्सीडेंट हुआ है। जो यहाँ के देखने वाले हैं वो कह रहे हैं कि भाई कोई लेडी चला रही थी, सुनने में आया, अभी वेरीफाई करेंगे उसके बाद में ही आपको बताएंगे। अभी पता चल पाया सर गाड़ी किसकी है या फिर इसका लोकेशन निकाल पाई, कौन थे जिनकी डेथ हो चुकी है? अभी डेथ वाले का भी कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, हम उसको आइडेंटिफाई करने की प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद में हम बताएंगे गाड़ी किसकी है। पहले आदमी जरूरी था, उसको निकाल कर भिजवाना जरूरी था। मैं खुद देख रहा था उनकी तरफ। अच्छा, उसने दूसरे का हाथ पकड़ा कि भाई ये साइड हो जा, गाड़ी आ रही। गाड़ी का ना तो ब्रेक लगा और ना कुछ, इतनी स्पीड में गाड़ी आई कि पल के अंदर गाड़ी हो गई। तेज स्पीड में थी काफी? हाँ तेज स्पीड में थी गाड़ी। कौन चला रहा था गाड़ी को? मैडम चला रही थी। मैडम कितनी उम्र लग रही थी मैडम? मैडम की हो गई वही 55 के ऊपर है। तस्वीरां दे विच नज़र आ रही फॉर्चूनर कार इस दे वल्लों दो लोकां नूं जोरदार टक्कर मारी गई। एक दी मौके ते मौत हुई जबकि दूजा हस्पताल दे विच जेरे इलाज है। जानकारी दे मुताबिक इस फॉर्चूनर नूं एक महिला चला रही सी जिस दी तेज़ रफ्तार होण करके दो लोकां नूं जोरदार टक्कर मारी। दस दिए कि पुलिस ने सब्बल दे नाल कंध तोड़ के एक शख्स नूं बाहर कढ़िया। गोल चौंक की कंध तोड़ के ए फॉर्चूनर कार अगे वधी और गोल चक्कर दे विच ही फस गई। दस दिए कि पुलिस ने सब्बल दे नाल कंध तोड़ी फिर एक शख्स नूं बाहर कढ़िया जिस दी मौत हो चुकी सी। दूजा दूजी साइड जाके डिग्गिया जिसनूं हॉस्पिटल दे विच भर्ती करवाया गया। फरीदाबाद दे सैक्टर 14 दे विच इह भयानक हादसा होया। इस हादसे दे नाल लेबर चौंक का गोल चक्कर भी टह गया। हाले तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई। अख झपकते ही यह भयानक हादसा होया। फॉर्चूनर का अगला हिस्सा बुरी तरह नुकसानिया गया। इसनों एक महिला चला रही सी और तेज़ रफ्तार होने करके दो लोगों को टक्कर मारी और यह फॉर्चूनर कार गोल चौंक के नाल जा टकराई, खुद भी उत्थे फस गई। दस दिए कि जिसनों टक्कर मारी वह शख्स भी कंध दे विच फस गया। पुलिस ने सबलां दे नाल कंध नूं तोड़ के उस शख्स नूं बाहर कढ़िया पर उदों तक उसकी मौत हो चुकी सी। सर मामला क्या, भी एक्सीडेंट हुआ है? सर एक्सीडेंट हुआ है, एक आदमी है ना एक्सपायर हो गया और एक आदमी इंजर्ड बता रहे हैं। हाँ एक्सीडेंट कब हुआ सर, कौन चला रहा था इसको? आधा घंटे पहले एक्सीडेंट हुआ है। जो यहाँ के देखने वाले हैं वो कह रहे हैं कि भाई कोई लेडी चला रही थी, सुनने में आया, अभी वेरीफाई करेंगे उसके बाद में ही आपको बताएंगे। अभी पता चल पाया सर गाड़ी किसकी है या फिर इसका लोकेशन निकाल पाई, कौन थे जिनकी डेथ हो चुकी है? अभी डेथ वाले का भी कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, हम उसको आइडेंटिफाई करने की प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद में हम बताएंगे गाड़ी किसकी है। पहले आदमी जरूरी था, उसको निकाल कर भिजवाना जरूरी था।
मैं खुद देख रहा था उनकी तरफ। अच्छा, उसने दूसरे का हाथ पकड़ा कि भाई ये साइड हो जा, गाड़ी आ रही। गाड़ी का ना तो ब्रेक लगा और ना कुछ, इतनी स्पीड में गाड़ी आई कि पल के अंदर गाड़ी हो गई। तेज स्पीड में थी काफी? हाँ, तेज स्पीड में थी गाड़ी। कौन चला रहा था गाड़ी को? मैडम चला रही थी। कितनी उम्र लग रही थी मैडम? मैडम की हो गई 55 के ऊपर है।